हेलो फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग होता क्या और कैसे वर्क करता है? देखिए, आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया होगा, ओके, क्रेडिट कार्ड में या फिर किसी दोस्त ने लिया होगा, उसने कभी 50,000 का उसका बिल हो गया होगा, उसने बिल नहीं भरा होगा। बिल ना भरने की वजह से उसे यहाँ पर 3% की, जो मंथली बेसिस पे 3.5% की एज पर द कार्ड यहाँ पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है वो नज़र आता है। और इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर पे नहीं करते, वही इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और इस तरीके से एक चक्रवृद्धि ब्याज, ओके, आपने यहाँ पर सुना होगा, आप मैथ में अगर आपने सुना ही होगा ये टर्म, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लगता हुआ वो 50,000 रुपये का जो बिल था वो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का हो जाता है, वो भी कुछ महीनों में। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कंपाउंडिंग को सोचिए। आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद साल में आपने अगर 20% का यहाँ पर इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाया तो 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। और फिर जब 1,20,000 रुपये दोबारा यहाँ पर 20% का प्रॉफिट मिलता है तो वो इस तरीके से ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 1,00,000 पे तो मिल ही रहा है 20% का, प्लस में 20,000 पे जो आपने कमाए हैं उस पर भी यहाँ पर कंपाउंडिंग और वो प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो ही धीरे धीरे ऐड होता हुआ नजर आता है, जैसे कहते हैं ना, 1-1 रुपये हम ऐड करते जाते हैं गुल्लक में और वो बहुत सारे रुपये हो जाते हैं। इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। और जब हम बात करते हैं कि हमें कम से कम 5 साल देना चाहिए, 10 साल देना चाहिए, 20 साल देना चाहिए, और वॉरेन बफेट कहते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए है, फॉरएवर के लिए है, तो इसी तरीके से वो काम करता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, एक अच्छा पैसा आपका बनता हुआ नजर आता है। और इसी तरीके से लोग यहाँ पर करोड़पति बनते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, इन्वेस्टिंग पे गौर करिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, यूट्यूब को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।